ये जो चीजें हैं ना, ये वैसे तो आपको बड़ी नॉर्मल सी जड़ी बूटियां लग रही हैं, लेकिन जब आप इनको लगाएंगे तो इनका असर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाला मसाज नहीं करना, दिस मसाज इज टू रॉन्ग। सिर्फ फिंगर टिप से मसाज कराया करें। आपके हस्बैंड हैं या आपके अब्बू हैं या आपके भाई हैं जिन्हें बालों का मसला है ना, आप ये डायरेक्ट उनकी स्किन के ऊपर लगा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हैक से ना सिर्फ आपको फ़ायदा हुआ बल्कि मुझे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मेरे रावी पीज़ा फाउंडेशन में आके मिली जिनकी रंगत काली थी, और उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा उन्होंने हल्दी वाला जो एक रेमेडी थी वो फेस के ऊपर लगाई तो उनकी वाकई स्किन ग्लो कर रही। तो मैं आपको जो जो रेमेडीज़ बताती हूँ आप यकीन करें कि वो रेमेडीज़ हैं जो मैं अपनी पूरी लाइफ में अपने ऊपर यूज़ करती रही हूँ और उनका फ़ायदा है, नॉट फॉर द व्यूज़ और जस्ट नॉट टू यू नो मिसगाइड समबडी, ये वाकई बहुत मुफीद होते हैं। इसी तरह बालों में जो मैंने प्याज की बात की थी कि आप प्याज लगाएं और उसके साथ आप एलोवेरा जेल लगाएं, दैट ऑल्सो हेल्प्स योर हेयर। बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उससे ना प्याज से आपके बालों का जो रंग है, जो लोग डाई करते हैं उनके बालों का रंग बड़ी जल्दी उतर जाता है। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ना, उससे बालों का कलर नहीं उतरता। आजकल 90% लोग तो डाई कर रहे हैं, इवन बच्चे जो हैं वो डाई कर रहे होते हैं। अनियन के अंदर कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि उस डाई को बाल के ऊपर नहीं रहने देते। अगर आपके बाल जो हैं वो डाइड हैं तो प्लीज़ आप वो वाली रेमेडी यूज़ ना करें। मैंने डाइड हेयर के लिए स्पेशल रेमेडी आज आपको बताऊंगी। उसके लिए पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं। सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल इसको पता नहीं अखुंड पता नहीं क्या इसको कहते हैं, नारियल का तेल कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल यानी कि बादामों का तेल। इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पंसारी से बड़े आराम से मिल सकती हैं, सिकाकाई, आमला और रीठा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वैसे तो आपको बड़ी नॉर्मल सी जड़ी बूटियां लग रही हैं, लेकिन जब आप इनको लगाएंगे तो इनका असर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बट यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैम ऐसे कि आप सरों के ऊपर ये मारना शुरू हो जाए। ये बड़े हैवी हैं और ये बड़ी ज़ोर से लगते हैं। तो हम इनको पीस कर इनका पाउडर निकालेंगे। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द पाउडर। और जब आपने कोई रेमेडी बनानी है ना तो उसका सबसे आसान होता है, ये डाइड हेयर वालों के लिए है। तो ये मैंने ना अपनी अम्मी के डब्बे से निकाला, ये जो डाई यूज़ करते हैं ना, ये उसके अंदर ऐसी बॉटल होती है। अब जब आप हेयर ऑयल वैसे लगाते हैं ना और यूं यूं करके सर पे लगाते हैं, वो आपकी पूरी स्काल्प पे यानी कि पूरी खोपड़ी पर नहीं पहुंचता। फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस बॉटल, क्योंकि ये इसकी पतली सी वो निब होती है, तो ये बड़े आराम से ना आपके बालों के अंदर जहां जहां आपने करनी है ये आपकी पूरी स्किन को कवर कर लेती है। और उसके बाद मसाज करना है। अच्छा, मसाज भी आपने ये वाला मसाज नहीं करना, दिस मसाज इज टू रॉन्ग, इससे आपके बाल टूटते हैं, ये जुल्म है। सिर्फ फिंगर टिप से मसाज कराया करें। अब वो भी एक प्रॉब्लम है आजकल खवातीन के नाखून इतने लंबे लंबे होते हैं कि फिंगर टिप से मसाज कराओ तो वो खास उतार लें, लेकिन ये है कि आप प्लीज फिंगर टिप से सिर्फ मसाज कराएं। सो व्हेन वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, अब आपने गौर से देखना है कि हमने आमला, रीठा और सिकाकाई को किस तरह इन ऑयल्स के अंदर मिक्स करना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा चम्मच चाहिए जिसके अंदर आप ये मेजर कर सकें कि आपने कितना ऑयल कितना कितना डालना है। सो वील स्टार्ट विद नारियल का ऑयल। ये आपको गर्मियों में ऐसे नजर आ रहे, सर्दियों में बिल्कुल जमा हुआ होता है। सो आप ये देख लें, तकरीबन ये वाला इतना, ये मैं आपको इस वक्त सिर्फ सिंगल यूज का बता रही हूँ। एंड देन यू टेक कैस्टर ऑयल, बहुत थोड़ा, उससे आधा। देन यू टेक ऑलमंड ऑयल, ये पौना चम्मच तकरीबन। और सबसे ज्यादा जो आपने डालना है वो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ये सबसे ज्यादा डालना है। उसकी वजह ये कि ये सबसे बेहतर ऑयल। अब देखें ये सारे ऑयल्स जो हैं ये आपने इस तरह से डाल के मिक्स कर लिए। ये ऑयल्स इटसेल्फ ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनको मजीद पावरफुल करने के लिए वी हैव टू यूज ये जो तीन रेमेडीज हैं पंसारी की दुकान से, अगेन आई वुड टेल यू कि बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिकाकाई का एक चम्मच डाल रहे हैं, फिर हम आमला का भी एक चाय का चम्मच भरा हुआ डाल रहे हैं, और ये रीठा का भी हम एक चाय का चम्मच भरा हुआ डाल रहे हैं। ओके, नाउ वील मिक्स दीज थिंग्स ऑल। जिनके बाल नेचुरली ब्लैक है ना वो तो ठीक है, वो यानी कि डार्क ब्राउन टाइप है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके बाल गोल्डन है ना वो इससे ब्लैक होने का खतरा है। तो मैं आपको हर रेमेडी के साइड इफेक्ट्स बता देती हूँ, चूंकि मेरे खुद के जो बाल हैं वो डार्क ब्राउन है। एंड बाय द वे मैं डाई करती हूँ इसलिए कि जब मेरा सैलून था तो मैंने इतनी दफ़ा कट डाउन किया था। मेरी बहन मुझसे बहुत बड़ी हैं लेकिन माशाल्लाह उनके सर में सिर्फ दो बाल सफेद हैं और मेरे आगे के काफ़ी बाल सफेद हैं। तो आजकल वैसे इट्स नॉट द मैटर ऑफ एज एनी मोर। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ पे रख लिया, अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे इन सारे ऑयल्स को।
तो अब हम इसको गर्म करेंगे इस ऑयल को। बेसिकली हम इसको इन हर्ब्स के साथ या श्रब्स के साथ गर्म इसलिए कर रहे हैं कि जब ये गर्म हो जाता है तो ऑयल के अंदर ये चीजें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा बॉयल हो रहा है। आपने इसको हिलाते रहना है कि जो आंवला रीठा और सिक्का काई है उनकी जो सारी जान है वो इन चारों ऑयल्स के अंदर मिक्स हो रही है। और इससे ये देखें, जब इसकी झाग बन रही है इसका मतलब है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। थोड़ी सी आग में इसकी और कम कर देती हूँ। ये जो हम बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं ना, हम सीरम्स लेते हैं, हम इतने ज़्यादा कंडीशनर्स लेते हैं, हम महंगे महंगे मास्क लेते हैं, हेयर मास्क, वी डोंट नीड सच लाइक थिंग्स। उससे कम पैसों में आप अपने घर में ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए और आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हैं। और बाकियों का तो मुझे नहीं पता, अक्सर रेमेडीज लोगों की ख़राब भी होती हैं, लेकिन जो मैं आपको बताती हूँ वो हमारे कश्मीरी नुस्खे हैं। और जैसे मेरे बाल बहुत लंबे और अच्छे हैं, इसी तरह बहुत सारी कश्मीर की जो लड़कियां हैं हम लोग के बाल बहुत अच्छे होते हैं। और इसको आपने कम से कम जो है वो 5 से 10 मिनट, डिपेंड्स कि वो नीचे आपके वो अभी तक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 5 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से स्टर करते हुए गर्म करना है। अभी देखें ये 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको चूल्हे से हटा रही हूँ और इसको ठंडा करना है, क्योंकि अगर ऐसे मैंने इसको प्लास्टिक की बॉटल में डाला तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप खुशबू सूंघ सकते हैं तो वो खुशबू एग्जैक्टली वही है। अगर बचपन में आपकी कभी नानी दादी ने, मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई कि हमारे घर में जब इस तरह का ऑयल बनता था तो हम तीन बहने थे, हम तीनों, अच्छा बाल मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे थे उनमें, क्योंकि वो भाग जाती थी ऑयल्स लगाने से और ऐसी रेमेडी से, मैं हमेशा आगे आ गई कि मैं कहती थी मेरे बाल वो करें। अब मुझे याद है कि मेरे इतने इतने लंबे बाल होते थे और इतने मोटे बाल होते थे, तो मेरे अब्बा को ना मेरे बाल बड़े पसंद थे। मेरे अब्बू खुद ही मेरे बाल शैम्पू करते थे, छोटी सी मैं होती थी, मेरे बालों को खुश करते थे, उनको सुलझाते थे। जब किसी से मेरे बाल नहीं सुलझते थे ना तो मेरे अब्बू करते थे, और मेरे अब्बू मेरे बालों की चुटियाँ भी बड़ी अच्छी बनाते थे। यू विल नॉट बिलीव, माई फादर हैज़ बिन एन आर्मी ऑफिसर, नाउ ही रन्स अ स्कूल, लेकिन वो मेरे बालों की इतनी परफेक्ट चुटियाँ बनाते थे, कभी अम्मा से भी नहीं बनी। दिस इज़ द लव द फादर शेयर विद द डॉटर्स। और मुझे भी खुशबू सुनिए ना, मुझे वो बचपन का टाइम याद आ गया अपने अम्मी अब्बू के साथ का। मेरे ख्याल है इसको ज़रा क्विक करने के लिए ना मैं इसको फ्रिज में रख, रादर फ्रीज़र में रख देती। तो अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी ठंडा हो गया है। अब आप इस ऑयल की कंडीशन देखें, इस तरह का हो गया। अब हम इसको किसी भी बॉटल में भर लेंगे। अच्छा, इसको लगाने के ना दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो इसकी जो अंदर आंवला रीठा और सिक्का काई है वो आप रहने दें एज इट इज़, और उसको अपने बालों पे लगा लें, और लगाने के बाद आप शॉवर कैप पहन लें और तकरीबन 2 घंटे बाद आप इसको धो लें। दिस इज़ वन वे। और सेकेंड वे वो ज़रा तेज़ उसका तरीका है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो आंवला रीठा सिक्का काई का जो पाउडर है ना वो आपकी बालों से बहुत मुश्किल से जाता है। जैसे मेरे इतने इतने लंबे बाल हैं तो वो बड़ी मुश्किल से ना उसके पीसेज रह जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको स्टेन कर लें, अगर इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये देखें ये जो पाउडर है, अगर आपने इसको नहीं निकालना तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे की एप्लीकेशन आपकी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसको स्टेन कर रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो फिर आप इसको ओवरनाइट लगाना है, क्योंकि ये जो इसकी चीज़ें हैं ये एज इट इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये 2 घंटे ज़्यादा लगानी भी नहीं है, लेकिन इनकी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वॉशिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर लेडीज़ को भी ये कहूँगी कि अगर ये आपका ये रह जाता है ना, तो आपके हस्बैंड हैं या आपके अब्बू हैं या आपके भाई हैं जिन्हें बालों का मसला है ना, आप ये डायरेक्ट उनकी स्किन के ऊपर लगा दें, जहाँ जहाँ पर उनके बाल नहीं है वहाँ वहाँ पर आप ये लगा रहने दें, और 2 घंटे बाद उन्हें कहें कि वो इसको धो लें, और अपने लिए ओवरनाइट ज़रूरी है। अब मैं इसको इस बॉटल में भरूँगी और इसको मैं अपने ओवरनाइट के लिए रख लूँगी। ये जो तेल है इसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने यूज़ करना है। इसकी एक्सपायरी भी बता दूँ, 6 मंथ बाद ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ना ये सड़ना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ अनदर हेयर रेमेडी फॉर ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर। आई एम श्योर कि आप मेरा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉर हेयर, फॉर वेट एंड फॉर स्किन। जज़ाकअल्लाह।